नवी बार एशिया का फाइनल में भिड़ेंगे भारत बनाम श्रीलंका, जानिए पिछले 8 टक्करों में कौन पड़ा ही किस पर भारी। दोस्तों क्या है पूरी अपडेट बताएंगे सब कुछ इस वीडियो में, लेकर अगर आप भी टीम इंडिया के हैं फैन और चाहते हैं कि एशिया कप 2023 टीम इंडिया के ही नाम हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों भारत और श्रीलंका की टीम में अब 17 सितम्बर दिन रविवार को एशिया कप 2023 के फाइनल में आमने सामने होंगी, साथ ही उनकी नजरें एशिया कप खिताब जीतने पर होंगी। दोस्तों एशिया कप इतिहास की दो सबसे सफल और कामयाब टीमों के बीच एशिया कप के फाइनल में नवी बार भिड़ंत होने जा रही है। दोस्तों अब तक भारत ने सर्वाधिक 7 बार और श्रीलंका ने 6 बार एशिया कप का खिताब जीता है। दोस्तों एशिया कप 2023 में इन दोनों टीमों ने ही शानदार प्रदर्शन करते फाइनल में जगह बनाई है। टीम इंडिया ने अजय फाइनल में जगह बनाई है, उसमें 5 मैचों में से 4 मैच जीते हैं, जबकि पाकिस्तान के ग्रुप मैच बारिश के कारण धुल गया था। वहीं दोस्तों श्रीलंका ने 2 ग्रुप मैच में और 2 सुपर फोर समेत 4 में जीत हासिल की, जबकि टोटल मुकाबले 5 खेले हैं। वहीं दोस्तों श्रीलंका की टीम इस पूरे टूर्नामेंट में अब तक केवल भारत से ही हारी है और अब एक बार फिर फाइनल में उनके सामने टीम इंडिया की चुनौती होगी। दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच अब तक वनडे में 166 बार भिड़ंत हुई है, जिसमें से टीम इंडिया ने 97 मैच जीते हैं, जबकि श्रीलंका ने 57 मैच जीते हैं, 11 मैच बारिश के कारण ड्रॉ रहे हैं। वहीं दोस्तों एशिया कप में 20 भिड़ंत हुई है दोनों टीमों के, जिसमें से भारत ने 11 जबकि श्रीलंका ने 9 मैच जीते हैं। दोस्तों भारत के खिलाफ अपने घर पर खेले गए 65 वनडे मैचों में श्रीलंका ने 30 जबकि भारत ने 29 मैच जीते हैं, जबकि 6 मैच का परिणाम नहीं निकला है। वहीं दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो इन दोनों टीमों ने एशिया कप के फाइनल में भारत और श्रीलंका के बीच अब तक 8 बार भिड़ चुकी हैं, जिसमें से 5 बार भारत ने जीत हासिल की जबकि 3 बार श्रीलंका को जीत मिली है। वहीं दोस्तों भारत ने 1984, 1988, 1990, 1995 और साल 2010 में एशिया कप का फाइनल श्रीलंका को मात देते हुए अपना खिताब नाम किया है। दोस्तों जबकि श्रीलंका ने 1997, 2004, 2008 के एशिया कप फाइनल में भारत को हराते हुए खिताब जीता है। वहीं अब एक बार फिर से दोनों ही टीमें आमने सामने होने जा रही हैं, तब देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी टीम किस टीम पर पड़ती है भारत। दोस्तों आज की जानकारी बस इतना ही, इस खबर के बारे में आप अपने व्यक्तिगत राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिखे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।